वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी ट्यूटोरियल में। मैं एडवोकेट अशोक कुमार सिंह आपका अपने जीएसटी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, क्या है कि सबसे बड़ी चीजें होती क्या है, जब आप अपने वकील या अपने सीए की बातें आप सुनते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें हाँ में हाँ मिला देते हैं। आज मैं उन्हीं वर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसके बारे में आप जान सके, समझ सके कि ये वर्ड्स आखिरकार होते क्या हैं, जिनके बारे में हमारे वकील साहब या हमारे सीए साहब इसके बारे में जिक्र करते हैं। बहुत आम भाषा यूज करता हूं मैं आप लोगों के लिए, जो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो बिल्कुल मैं शुरू करता हूं। सबसे पहली चीज है जीएसटी ट्यूटोरियल में, और दोस्तों मैं ऐसे कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब बटन लाल रंग में होगा, आप उसको लाल रंग को बिल्कुल दबा दीजिए, व्हाइट हो जाएगा। बगल में एक बेल आइकन घंटी की तरह आएगा, आप उसे भी दबा दीजिए तो मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की बात और अपने टॉपिक पे आते हैं। मेन विषय ये है कि जीएसटी में ऐसी वो कौन से शब्द है जो आपको समझ में नहीं आते हैं, जब आपका लायर आपसे बात करता है, जब आपका सीए आपसे बात करता है, अपनी बातें कहता है और आप उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं उन्हीं बातों का आज जिक्र करूंगा कि मुझे क्या समझना है जब वो अगला बात कहता है। तो पहली चीज मैं शुरू करता हूँ, चलिए जल्दी से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं अपनी पहली बात। पहला टॉपिक आता है B2B, यानी B2B। बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर कोई लायर आपसे ये कहता है कि आपने B2B किया है तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपको समझना है क्या B2B का मतलब होता है, कि एक बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक रजिस्टर्ड डीलर जब दूसरे किसी रजिस्टर्ड डीलर को किसी माल का मूवमेंट करता है या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जब दोनों के पास जीएसटी नंबर है, ध्यान रखने वाली बात है क्या है कि दोनों के पास जीएसटी नंबर है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, B2B। यानी मेरे पास भी जीएसटी नंबर है, यानी परचेजर के पास भी जीएसटी नंबर है और सेलर के पास भी जीएसटी नंबर है। दोनों के पास जब कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटी नंबर है, और दोनों जब किसी माल का मूवमेंट करते हैं या किसी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो इन दोनों के बीच जो अनुबंध होता है, जो कार्यशाला होती है, उसको हम कहते हैं B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। प्राइमरी हो गई, आप अब समझ चुके होंगे B2B का मतलब होता है एक दोनों का रजिस्टर होना जरूरी है, यानी कि दोनों के पास जीएसटी नंबर का होना जरूरी है। ये हो गया B2B। नंबर सेकेंड होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आप दुकान चलाते हैं और आप कोई ऐसी बिलिंग करते हैं, जैसे मैं आपके पास आ गया और मैंने आपसे कोई बिल कहा कि नहीं आप ये बिल है और आप मैंने आपसे इतने रुपए के सामान खरीदे हैं तो आप मुझे इसका बिल दो, तो आप मुझे क्या करेंगे, मैं आपके पास तो जीएसटी नंबर है लेकिन मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, और अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है और आप मुझे जो बिल देंगे, यानी आप मुझे जो इनवाइस जारी करेंगे, उस इनवाइस को बोलते हैं B2C, यानी B2B रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, यानी जीएसटी नंबर नहीं है, उसको कहते हैं B2C। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, दो चीजें मैंने यहां क्लियर कर दी। थर्ड है GST रिटर्न। जीएसटी रिटर्न जो आप व्यापारी अगर हैं तो आपको हमेशा देखिए लाइफ ऑफ कंट्रोल क्या है और कंडीशन क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ लॉ क्या कहता है जीएसटी रिटर्न के मामले में। जीएसटी रिटर्न तीन होते हैं, GST R1, GST R2 और GST R3। मेन भाषा में मैंने आपको समझाया, मैंने GST R1, GST R2A, 3A कहता तो आप कंफ्यूज जाते, तो आप GST R1, GST R2, GST R3 आप ये समझ लीजिए कि एक महीने में आपको 3 रिटर्न सबमिट करने हैं। इफ यू कैजुअलिटी क्या है यहाँ पे, ला क्या कहता, अगर आप कंपोजिशन डीलर नहीं है, यानी आप समाधान के व्यापारी नहीं है, आप रेगुलर व्यापारी हैं, तो आपको एक महीने में अपने 3 रिटर्न सबमिट करने हैं, और ये 3 रिटर्न आपको 20 तारीख तक, हर महीने के लास्ट 20 तारीख डेट तक आपको ये सबमिशन एक्सेप्ट कर देने हैं, लायबल कर देने हैं और इसको फाइल कर देना है, और नहीं तो आपको CGST 25 रुपए, SGST 25 रुपए की पेनाल्टी अदा करनी पड़ेगी पर डे प्रतिदिन। यानी जीएसटी रिटर्न क्या, GST R1। GST R1 क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। GST R1 है, ये है अगर आपने किसी से कोई सर्विस प्रोवाइड की है, आपने कोई गुड्स का मूवमेंट किया है, तो GST R1 में जब आप B2B को कोई इनवॉइस जारी करते हैं, तो अगर आपने किसी को इनवाइस जारी किया है या आपने कोई चीज की है, तो जो इनवाइस जारी किया गया है वो GST R1 में अपने अपडेशन जो फील फुल करता है उसको GST R1 बोलते हैं। एक्चुअली
अगर मैंने किसी से एक साबुन खरीदा, अगला भी रजिस्टर्ड है और मैं भी रजिस्टर्ड हूं, मैंने खरीदा है, तो एक्चुअली क्या है, जिस व्यक्ति ने मुझे बेचा है वो व्यक्ति मुझे टैक्स इनवॉइस जारी करेगा, यानी कि वो मुझे टैक्स इनवॉइस जारी करेगा जिसमें उसका भी जीएसटी नंबर होगा, मेरा भी जीएसटी नंबर होगा, उसको हम कहते हैं GSTR 1। यानी कि हम अपने जो भी सेल करते हैं, सेल की जो हमारी फिगर आती है वो GSTR 1 में आती है। अच्छा, GSTR 2 क्या है? GSTR 2 में क्या है कि अगर हम कोई चीज कहीं से परचेज करते हैं, मान लीजिए मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं और रजिस्टर्ड डीलर कहीं से कोई सामान खरीदता है किसी भी जगह से, तो जब वो परचेज करता है, खरीदता है, तो वो चीजें हमारे GSTR 2 में आएंगी। इसे मुझे नहीं करना है, क्योंकि जो सेलर है, जो आपको बिक्री कर रहा है, जब वो अपने डिटेल्स अपनी डालेगा तो कहाँ डालेगा, GSTR 1 में डालेगा, और मेरे मेरे आईडी में, मेरे GSTR में वो GSTR 2 में शो करेगा। यानी मैंने अगर 10 रुपये कोई सामान खरीदा किसी भी रजिस्टर्ड डीलर से और मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, तो वो खरीद का विवरण मुझे कहाँ दिखेगा, GSTR 2 में दिखेगा। GSTR 3 क्या होता है? वो है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि आपने बिक्री कितने की। यहाँ पे आपसे कहीं कोई चीजें पूछी नहीं जाती, यहाँ आपसे सिर्फ ये पूछी जाती कि आपने सेल कितने का किया, यानी आप अपना जो सेल रिपोर्ट देते हैं उसको बोलते हैं GSTR 3। मैंने आपको GSTR रिटर्न के बारे में डिटेल में वीडियो में आगे बनाऊंगा और आप ब्रीप समझिएगा, आइकन में मैं उसको सजेस्ट कर दूंगा, आप उसको देखिएगा तो आप GST रिटर्न समझ जाएंगे प्रिपेयर्ड क्या होते हैं। तो ये चीजें होंगे आपकी GSTR और रिटर्न से संबंधित। तीसरी चीज जो सबसे कंफ्यूजन की चीज है, चौथी चीज है, उसमें कंफ्यूज क्या होता है, एक होता है इंटरस्टेट, एक होता है इंट्रास्टेट। जब मैं इंटरस्टेट की बात करूं, इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है कि इंटरस्टेट का मतलब होता है कि जब हम अपने राज्य से किसी अन्य राज्य में किसी माल का मूवमेंट कर रहे हो या किसी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे होते, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेट। यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश से बाहर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी माल या किसी चीजों का विक्रय करते हैं, क्रय करते हैं, तो ऐसे समय में हम इसको इंटरस्टेट बोलते हैं, यानी कि अपने राज्य से भिन्न। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट आता है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट यानी आप जिस भी राज्य में रहते हैं, पूरे भारतवर्ष में जिस भी राज्य में रहते हैं, जब किसी माल का मूवमेंट, जब किसी सर्विस को आप प्रोवाइड करते हैं अपने स्टेट के अंदर, यानी अपने प्रदेश के अंदर ही करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब होता है राज्य से राज्य के अंदर ही, इंटरस्टेट का मतलब होता है राज्य से राज्य के बाहर। अगर हम यूपी में है, एमपी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एमपी को कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई चीज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट। और अगर हम यूपी में ही कोई चीज माल का परचेज कर रहे हैं या किसी चीज को कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रास्टेट। तो ये चीजें हो गई, कंफर्म हो गए आपकी, इंटरस्टेट बोलते हैं, इंटरस्टेट बोलते हैं। अगली चीज आती है, छठवीं बिंदु है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट फुल फॉर्म है इसका, ITC। डिटेल में वीडियो मैं आगे बना दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ITC मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका वकील बोलता है कि भाई मैंने ITC ले लिया, आप समझे ITC का मतलब क्या होगा। ITC का मतलब था इनपुट टैक्स क्रेडिट। यदि हमने कोई माल परचेज किया है, उस माल को मैंने परचेज किया है, मान लीजिए 1,000 रुपए का हमने कोई माल परचेज किया है, और परचेज करने के बाद हमने उस पर 100 रुपए GST दिया है, तो माल हो गया 1100 रुपए का। अगर इस 1100 रुपए को माल को हमने अगर 1300 रुपए में बेच दिया, सपोज दैट टैक्स इन रेट के इनवर्स में अगर उसका रेट GST आता है 130 रुपए, तो जब आपने उस माल का परचेज किया था तो आपने 100 रुपए पेड कर दिया था, 1000 रुपए का वो माल पड़ा था, आपने 100 रुपए पेड किया था, आपने रिसेल किया, और रिसेल करने के बाद आपकी टैक्स वैल्यू क्या हो गई, 1030। तो एक्चुअली में क्या है कि जो 1300 यानी 1300 रुपए में अगर आपने किसी माल की बिक्री की, तो टैक्स बन गया आपका 1300। आपने ये कहा कि सर एक्चुअली क्या है कि मैंने जब माल खरीदा था तो मैंने 100 रुपए पेमेंट कर दिया, और 30 रुपए जो लाइबल होते हैं वो मैं आपको दूंगा। जो 100 रुपए आप माइनस करके और 30 रुपए आप पेड करते हैं, ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी ITC। ये है ITC का सिंड्रोम, जिसको आप बिल्कुल समझ सकते हैं कैसे ये वेरीफाई होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा ITC के बारे में डिटेल, जिसको आप बेहतर और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अब मैं आता हूं अगले पे, ईवे बिल। ईवे बिल क्या होता है? ईवे बिल का मतलब होता है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन। जब आपका वकील, आपका CA जब आपसे बात करता हो, ईवे बिल जैसे बातों को अपने आपके सामने रखता है,
खास तौर से ई वे बिल ट्रांसपोर्टरों के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ई वे बिल उनके लिए जरूरी है जब आप किसी भी माल का परिवहन रोड से कर रहे हो, यानी कि यातायात मार्ग से आप कर रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के बाहर से कर रहे हो। आप जिस ई वे बिल को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन बिल, इसको ये कहते हैं। ई वे बिल एक ऐसा संकरण है जीएसटी का कि जब आप उत्तर प्रदेश के बाहर से कोई माल लेके आएंगे, यूपी से बाहर ले कोई माल लेके आते हैं, आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य से बाहर कोई माल लेके अपने स्टेट में आते हैं या अपने स्टेट से उस राज्य में आते हैं, तो आप ई वे बिल को जनरेट करते हैं। ई वे बिल जनरेट करने का तीनों लोग को राइट है। पहली राइट, जो जीएसटी नंबर क्रेता है उसको भी राइट है, जो विक्रेता है उसको भी राइट है, और जो ट्रांसपोर्टर है उसको भी राइट है। तीनों लोगों में कोई भी व्यक्ति ई वे बिल को जनरेट कर सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं आएगी। इसको कहते हैं ई वे बिल, जिसको कहते हैं रोड परमिट। रोड परमिट आपको प्रांत के बाहर, स्टेट के बाहर के लिए भी जरूरत पड़ेगी और स्टेट के अंदर भी जरूरत पड़ेगी। मैं फिर बताता हूं इस बात पे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको ई वे बिल के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा कि ई वे बिल कैसे काम करता है कैसे। लेकिन अभी फिलहाल में आप बोले जाने शब्दों के रूप में इसको समझ लीजिए कि ई वे बिल का मतलब होता है कि रोड परमिट, यानी आप पूरे इंडिया में कहीं भी आ रहे हो कहीं भी जा रहे हो, खुद स्टेट अपने स्टेट के अंदर ही एक निश्चित अमाउंट का, एक धनराशि का माल लेके अगर कहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए ई वे बिल जनरेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको जनरेट नहीं करेंगे तो आपके लिए कानूनन जुर्म है और इसको आपको पालन करना पड़ेगा। ये है ई वे बिल। अब मैं आता हूं RFID, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई डिवाइस। RFID क्या होता है? बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि यार RFID क्या होता है, इसके लिए क्या होता है। ये ट्रांसपोर्टरों से संबंधित है। जब आप किसी भी माल का मूवमेंट किसी अन्य प्रदेश से अपने प्रदेश में करते हैं या अपने प्रदेश की अन्य प्रदेश में भेजते हैं, तो जो ट्रक होती है जिससे माल का परिवहन किया जाता है, तो वहां पे जो खलासी बैठता है, बड़ा सरल शब्दों का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं जो आप समझ सकें। मैंने डीमो कभी नहीं समझाया आपको कि ऐसे GSTR 1 फाइल करेंगे, ऐसे GSTR 2 फाइल करेंगे। मैंने हमेशा आपको ला समझाया। मैं एक वकील हूं, आपको ला समझाता हूं कि ला क्या है। मैंने ये कहा कि RFID क्या होता है, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाइड डिवाइस। यानी हर ट्रक के आगे मात्र 200 रुपए शुल्क लेकर के ये RFID लगता है हर ट्रक के आगे, जो स्कैन करता है आपके ई वे बिल को, वेरीफाई करता है। 120 किलोमीटर के अंदर में आप कहीं भी बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर के बाहर आप रहेंगे, तो ये जो RFID है वो आपको स्कैन कर लेगा और इसकी सारी सूचना मुख्यालय भेज देता है, जहां पे ऑलरेडी आपने ई वे बिल जनरेट किया है, माल क्या है, एक्शन कोड क्या है और कितना उसकी क्वांटिटी है, कितनी उसकी टैली है। ये क्या करता है, RFID होता है जो ट्रकों में लगा रहता है। ट्रांसपोर्टरों के लिए मेन काम है इसका, और ट्रांसपोर्टर को आप समझ सकते हैं कि RFID, अगर आपका लायर आपका CA कभी भी RFID की बात करें, तो आप समझ जाइएगा कि वो मुझसे परिवहन की बात कर रहा है। यानी कि कोई इंटरस्टेट से इंटरस्टेट हो रहा है या कहीं भी कोई माल का मूवमेंट हो रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है, इसका मतलब कि वो मुझसे, जहां परिवहन शब्द आ जाता है वहां पे RFID शब्द का आ जाना स्वाभाविक है। अब मैं बात करता हूं टैक्स इनवॉइस की। टैक्स इनवॉइस हमेशा तब जारी होता है जब कोई B2B होता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अगर हम टैक्स इनवॉइस जारी कर रहे हैं, अगर मैंने किसी से कोई भी टैक्स इनपुट किया है, मैंने किसी भी व्यापारी से, किसी भी व्यक्ति से अगर टैक्स लिया है, और मैं अगले B2B को, यानी अगले बिजनेसमैन को मैं कोई बिल जारी कर रहा हूं, तो वहां पे हम क्या उसको जारी करेंगे, उसको जारी करेंगे टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस हम उसको जारी करेंगे, उसको हम बोलते हैं कि ये टैक्स इनवॉइस हो गया। अगली सबसे बड़ी चीज है क्या है, कंपोजिशन के डीलर अच्छी तरीके से समझ लें। कंपोजिशन यानी समाधान के व्यापारी अच्छी तरीके से समझ लें, जो बार बार गलतियां करते हैं वो इनवॉइस छपवाते हैं। इनवॉइस अगर आप छपवाते हैं तो आप गलत करते हैं। आप अपने ऊपर हेडिंग में लिखिए बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन के डीलर क्या छपवाएंगे, वो छपवाएंगे बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें आप कोई भी कंज्यूमर से टैक्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप किसी भी करदाता से कर नहीं ले सकते हैं। अगर आपने कंपोजिशन का चयन किया है, अगर आपने समाधान का चयन किया है, तो 1% का जो रेट ऑफ टैक्स है, बाकी अन्य कई रेट ऑफ टैक्स है, अन्य चीजों में आपने पिछले वीडियो में बताया, मैं आपको आइकन में सजेस्ट करूंगा मैंने किस वीडियो में बताया, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से आप कंपोजिशन के डीलर बिल ऑफ सप्लाई जारी करेंगे, जहां पे 1 रुपया भी
वो किसी भी कंज्यूमर से नहीं ले सकते, आपका ये राइट नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कानून का उल्लंघन करते हैं। मैंने आपको बिल ऑफ सप्लाई बता दिया। कंपोजिशन डीलर का मतलब होता है कि समाधान के अंतर्गत जीएसटी गुड्स एंड सर्विस ने ऐसी व्यवस्था दी है आपको, जिसके अंतर्गत अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ या 1.5 करोड़ से नीचे है तो आप अपना वार्षिक रिटर्न फाइल करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको मंथली रिटर्न से छूट दी जाती है और आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि आप 3 महीने पे अपना रिटर्न सबमिट करेंगे। ऐसे कंपोजिशन डीलर आते हैं जो किसी भी व्यक्ति से कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब ये परचेज करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जब ये सेल करेंगे तो ये कोई भी टैक्स किसी भी कंज्यूमर से वसूल नहीं करेंगे। ये हो गया आपका कंपोजिशन डीलर। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको आइकन में सजेस्ट कर रहा हूं, आप जाके वहां वीडियो देख सकते हैं। अगली चीज होता है ई कॉमर्स डीलर। आप खड़े होते हैं, आपके सामने आपका जो लायर है, दुनिया है, और लोग आपसे बात करते हैं कि भाई ई कॉमर्स डीलर्स क्या होते हैं। ऐसे डीलर्स जो अपना माल पूरी तरीके से इंटरनेट से, यानी कि आईलाइन से सप्लाई करते हैं। अमेजॉन है, सिपकॉर्ड्स है, ऐसे कई कंपनियां हैं जो अपना इंटरनेट से अपनी माल की सप्लाई करते हैं। ऐसे व्यापारियों को हम ई कॉमर्स व्यापारी बोलते हैं। ऐसे व्यापारी जो अपने माल का ट्रेडिंग ऑनलाइन करते हैं या अपने सर्विस को ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे सारे व्यापारी जो है ई कॉमर्स के दायरे में आते हैं। ई कॉमर्स डीलर्स उसको बोला जाता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ई कॉमर्स डीलर्स किसको बोला जाता है। अब होता है सबसे मेन चीज, इनकम टैक्स में आपका वकील आपका सी आपसे कहता है भैया मुझे स्टेट ऑफ अकाउंट दे दो। स्टेट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर, मैंने अपने वीडियो में सजेस्ट कर रहा हूं, मैंने फाइनेंशियल आपको समझाया है, असेसमेंट ईयर समझाया है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो रिपोर्ट होता है, जो बैंकिंग रिपोर्ट आपकी होती है, जो आप अपने बैंक में जाके मांगते हैं और अपने बैंक से ये कहते हैं कि भैया मुझे पूरे साल का चाहिए, मेरे वकील साहब मांग रहे हैं, मेरे सीए साहब मांग रहे हैं और मुझे ये चीज चाहिए, तो आप कहते हैं स्टेट ऑफ अकाउंट। तो स्टेट ऑफ अकाउंट जो होता है वो बैंक से मिलता है, जो बैंक आपको सर्टिफाइड करके देता है, जिसकी डिटेल्स आप अपने सीए को या अपने वकील को देते हैं उसको कहते हैं स्टेट ऑफ अकाउंट, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। मे बी पॉसिबल इस समय जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, इसमें आपको जो वीडियो बना रहा हूं, इसमें जो असेसमेंट ये चल रहा है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की रिफाइनेंशियल रिपोर्ट को असेसमेंट ईयर 2019-20 हम बोलेंगे, जो मैंने वीडियो में बताया है आपको, उसको हम कहते हैं कि बैंक डिटेल, यानी कि स्टेट ऑफ अकाउंट, यानी आपका अकाउंट जितने भी आपने खाते खोल रखे हैं, चाहे सेविंग हो, करेंट हो, चाहे जो भी हो, सारे अकाउंट्स की जो डिटेल्स आप देते हैं उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ अकाउंट, चाहे वो आपने जितने भी बैंकों में खोल रखे हो। स्टेट ऑफ अकाउंट खत्म होने के बाद होता है स्टॉक बुक। हर व्यापारी का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर स्टॉक बुक मांग रहे थे अधिकारी जो आ रहे थे मेरे पास दुकान में, आज स्टॉक बुक मांग रहे थे। स्टॉक बुक को आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, जब आप कोई माल परचेज करते हैं कहीं भी से, इंटरस्टेट करें, राज्य के अंदर से करें, राज्य के बाहर से करें, कहीं से भी कोई माल खरीदते हैं और माल खरीदने के बाद जो माल बिक जाता है और बिकने के बाद जो अवशेष रह जाता है, जो बाकी रह जाता है, वो है आपका स्टॉक। और स्टॉक को जब हम मेंटेन करते हैं किसी किताब में तो उसको बोलते हैं बुक, यानी स्टॉक को जब मेंटेन करने वाला जो बुक होता है उसको बोलते हैं स्टॉक बुक। यानी आप समझ गए होंगे कि स्टॉक बुक किसको कहते हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, हमारा सर खाने की जरूरत नहीं है। अभी स्टॉक बुक आप समझ लीजिए, मैं आपको स्टॉक बुक समझाता हूँ। स्टॉक बुक जीएसटी में बहुत कंपल्सरी है, हर एक अधिकारी, हर एक व्यक्ति जब आपके पास जाएगा तो आपसे स्टॉक बुक मांगेगा, आपका स्टॉक लेजर क्या कहता है, आपने कितना परचेज किया था, कितना आपने सेल किया है। चाहे आप कंपोजिशन के डीलर हो, चाहे आप कंपोजिशन के डीलर ना हो, लेकिन आपसे स्टॉक बुक मांगा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीएसटी ऑडिट। एक मैं आपको 15वां वर्ड बता रहा हूं, मैं एक एक चीज को डिफाइन करूंगा, मैंने क्या क्या चीज आपको बताया था। जीएसटी ऑडिट, ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाता है, यानी कि आपने वर्ष भर में 2 करोड़ रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन किया है, तो आपको अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। जीएसटी ने अभी गाइडलाइन सीए को दिए हैं और किसी को नहीं दिया है, और तो आपको अपना ऑडिट कराना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स बुक चेक कराने पड़ेंगे, सीए उस पर अपनी ऑडिट की मुहर लगाएगा, उसके बाद आपका अकाउंट सेक्शन हो जाएगा। उसको क्लास को डिफाइन करने का जो काम होता है वो वकीलों का होता है, और हमेशा वकील अपना काम करेंगे,
आपके एक्ट को वेरीफाई करेंगे और आपका जीएसटी R9 फाइल करेंगे, यानी कि आपका जो वार्षिक रिपोर्ट होता है, वार्षिक रिपोर्ट को हम जीएसटी में क्या बोलते हैं, GSTR 9। मैंने आपको 15 चीजें बताई, मैंने रिपीट करता हूं, मैंने पहले कहा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, सेकेंडरी मैंने कहा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, तीसरा मैंने आपको बताया जीएसटी रिटर्न या GSTR 1, 2, 3, चौथा मैंने बताया इंटर स्टेट प्रदेश के बाहर, पांचवा मैंने बताया इंट्रा स्टेट यानी प्रदेश के अंदर, छठवां मैंने बताया इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC किसको कहते हैं, सातवां मैंने बताया कि ईवे बिल किसको कहते हैं, ईवे बिल से आप क्या समझते हैं, आठवां मैंने बताया RFID क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाइड डिवाइस क्या होता है, मैंने उसके बारे में बताया है, नौवां मैंने बताया आपको टैक्स इनवॉइस क्या होती है, आप उसके बारे में जान सकते हैं, दसवां मैंने बताया कि बिल ऑफ सप्लाई कंपोजिशन लिए जारी करेंगे, इनवॉइस भी कंपल्सरी है, टैक्स इनवॉइस भी कंपल्सरी है, डिटेल वीडियो बनाऊंगा आगे मैं आपको दूंगा, मैंने आपको इसी बताया, ग्यारहवां मैंने बताया कंपोजिशन यानी समाधान क्या है, समाधान के बारे में हमने आपको बताया है, बारहवां हमने बताया ई कॉमर्स डीलर जो इंटरनेट से अपना काम करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, गुड्स का मूवमेंट करते हैं यानी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे जो इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, अमेजॉन मैंने उदाहरण भी दिया है आपको, तो ई कॉमर्स डीलर हो गया बारहवां। तेरहवां है मैंने स्टेट ऑफ अकाउंट बताया है, स्टेट ऑफ अकाउंट क्या होता है, स्टेट ऑफ अकाउंट कैसे काम करता है और स्टेट ऑफ अकाउंट आपको कहां से मिलेगा, कब से कब तक का मिलेगा, मैंने इसके बारे में बताया। स्टॉक बुक में मैंने बहुत आपको ध्यान देने की बात कही, स्टॉक बुक बिल्कुल ध्यान करिए, स्टॉक बुक के बारे में आपको बताया, स्टॉक कैसे मेंटेन होता है, स्टॉक आप कहां से लेंगे, स्टॉक कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे और जीएसटी में कैसे इसको प्रिपोल करेंगे, ये चीज मैंने। और मैंने 15वां सेक्शन आपको बताया जीएसटी ऑडिट क्या होता है, जीएसटी ऑडिट का मतलब ये होता है कि 2 करोड़ से ऊपर के व्यापारी जितना वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला गया है उनको जीएसटी का ऑडिट कराना पड़ेगा, तभी उनका GSTR 9 फिल फुल होगा। ये सारी बातें थी जब मैंने आपको ये कहा था कि आप हमारे वीडियो में आइए और मैं आपको कभी भी टेबल नहीं समझाऊंगा कि आप कंप्यूटर पर जाओ, इसको दबाओ, उसको दबाओ, ये करो वो करो, तो आप इसको फाइल करो। एक्चुअली आप व्यापारी हो, व्यापारी हमेशा व्यापार करता है, व्यापारी कभी भी जीएसटी को रन अप नहीं करता, रन अप करने के लिए वकील बैठा है, CA बैठा है, अगर नहीं बैठा है तो आप बिठाइए, आप व्यापार करिए, अपना सारा दिमाग सारा फोकस आपने व्यापार में लगाइए, जीएसटी में मत लगाइए। जीएसटी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल चीजें हैं, मैं क्या करता हूं आपको फंडामेंटल चीजें बताने की कोशिश करता हूं, यानी जब आपका वकील आपसे बात करे, जब आपका सीए आपसे बात करे, तो आप इन सारी चीजों को समझ सके कि मेरा सीए मुझसे क्या कह रहा है, मेरा वकील मुझसे क्या कह रहा है, हर चीजों को आप समझें और एक्चुअली आप उसको फॉरगेट करें, एज ए लॉ, एज ए एक्ट, एज ए फॉर सेक्शन, आप हर चीजों को फॉलो करें और इसको समझें। मेरा यही उद्देश्य था आप लोगों को बताने का, समझाने का, और इन चीजों को आप फॉलो करिए। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो आप इसको 2-3 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार हो सके आप इस वीडियो को रिपीट करिए, एक एक वर्ड को अपने कॉपी पे लिखिए, समझिए, बोलिए, जानिए, और उसके बाद जब आप अपने सीए से बात करेंगे, अपने वकील से बात करेंगे, हर एक चीज को आप बेहतर तरीके से समझेंगे कि मेरा सीए क्या कह रहा है, मेरा वकील क्या कह रहा है, मेरा जो रिलेटर है उससे क्या कहना चाह रहा है, वो B2B का मतलब क्या होता है, B2C का मतलब क्या होता है, इंटरस्टेट का मतलब होता है, इंटरस्टेट का क्या मतलब होता है, हर एक चीज को आप बेहतर तरीके से समझेंगे। और व्यापार में मैं हमेशा कहता हूँ सर ये आपका काम नहीं है, जिसका काम है उसको करने दीजिए, लेकिन आप उससे बधिर मत रहिए, आप उसको ऐसा नहीं कि आप उसको जानिए नहीं, आप उसको जानिए ताकि कोई आपको इधर उधर ना कर पाए। वकीलों के बारे में कहा जाए वहाँ समझाते हैं वहाँ, और काफ़ी सारे लोगों के बारे में कहते कोई अब ऐसा नहीं समझा सकता, गलत हो ही नहीं सकता, अब तो इंटरनेट आ गया और जो भी चीज़ें हैं वो बल्कि वेरीफाई होती हैं, तो आप वेरीफाइड करिए। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को समझाना। दोस्तों मैं बार बार आपसे कहूँगा कि मेरे जीएसटी को, जीएसटी ट्यूटोरियल, मेरे जो ये चैनल है इसको आप देखते रहा करिए, और इसको मैं बहुत सारी चीज़ें आपके आसान भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल रूबरू ऐसी बातों में समझाऊंगा जिसमें आप हमारी बातों को समझ सके। मैं कभी आपको टेबल नहीं समझाऊंगा, आप एक रिमार्कर या GSTR 1, 2, 3 ये फाइल नहीं कर पाएंगे, ये टिपिकल है, लेकिन आप अपने वकील की भाषा को समझ सकें, अपने सीए की भाषा को समझ सकें, मेरा ये उद्देश्य है वीडियो बनाने का। तो ये सारी चीजें थी आपको समझाने का, आपको बताने का, और बने रहिएगा हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाल रंग से लिखा रहेगा सब्सक्राइब, दबा देंगे, उसके बगल में एक घंटी बनेगी, आप घंटी को दबा दीजिएगा तो नए नोटिफिकेशन जो आते रहते हैं, जो नए गाइडलाइंस मुझे सरकार से मुझे मिलते हैं, वो गाइडलाइंस मैं आप तक पहुंचाता हूं, तुरंत वीडियो बनाता हूं और आप तक पहुंचा देता हूं, तो आप ये समझ जाएंगे भाई इसका लास्ट डेट ये है, इसका अभी ये डेट ये है,
ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती रहेंगी और बहुत सारा प्यार है आप लोगों को, ढेर सारा प्यार है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, एक एक चीज को मैं आपको डिफाइन करूंगा और एक्चुअली मैं बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और वीडियो देखते रहिएगा, जीएसटी से वाकिफ होते रहिए। व्यवसाय ही करना है आपको जीवन में, अब आपको नौकरी नहीं करना है, व्यवसाय करना है, तो जीएसटी को समझते रहिए और प्यार से मिलते रहिए सर, कहीं कोई भारी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको मिलता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।